हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों ये ई रिक्शा की बैटरी है दोस्तों 12 वोल्ट की। ये बैटरी फट गया तो दोस्तों ये बैटरी को रिपेयर कैसे करते हैं, पहले स्टिकर को हमने उठा दिया। उठाने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए बैटरी फट गया। ये बैटरी से पानी निकल रहा है, एसिड तेजाब सारे निकल जा रहा है यहीं से। तो हम इसको रिपेयर करेंगे। पहले हम रेती वाला पेपर से ये बैटरी जहाँ पर फट गया तो उसको हम रिपेयर घिस देते हैं। घिसने के बाद दोस्तों हम इसमें और प्लास्टिक से इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वीडियो के साथ बनिए रहिए। हमारे चैनल पर आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल का फुल नॉलेज का साथ मैकेनिक रिपेयरिंग मॉडिफाइड का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों फटा हुआ जाएगा, हम अच्छी तरह इसको घिस देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा एब्रो खेब्रो होना चाहिए। एब्रो खेब्रो होगा तो भी ये अच्छे से जब हम इसमें जॉइंट करेंगे तो ये अच्छे से पकड़ लेगा। तो दोस्तों रेती वाला पेपर से हम अच्छी तरह घिस लिया। घिसने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन को हमने ले लिया। इलेक्ट्रिक आयरन को लेने के बाद इससे हम थोड़ा थोड़ा करके हीट लगा के इसको हम हीट कर दिया। तो दोस्तों हीट से हम थोड़ा इसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक हमने ले लेंगे, प्लास्टिक से हम इसको प्लास्टिक जला जला के अच्छे से हम इसको चिपका देंगे। ये प्लास्टिक हमने टुकड़ा टुकड़ा करके काट के ले लिया। ये प्लास्टिक को हम गला देते हैं, गला गला के इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लगा लगा के पूरा बैटरी को जहाँ जहाँ फट गया को टूटा हुआ है वहीं पर हम चिपका देते हैं। चिपकाने से क्या होगा, ये बैटरी आसानी से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपकी ई रिक्शा की बैटरी नहीं है तो कोई किसी भी प्रॉब्लम में ई रिक्शा गिर जाए तो क्या होते हैं, बैटरी फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसको रिपेयर कैसे करें, हम रिपेयर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। क्या होता है, बैटरी को निकाल लेना है, इसका अंदर से तेजाब सारे निकाल के बाहर कर देना है। बाहर करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप आपके पास कोई लोहे का कोई सरिया हो उसको आग में लगा के इसको हीट करके कर लेना है। करके छोटा छोटा करके प्लास्टिक को काट लेना है। प्लास्टिक को लगा लगा के आपको ऐसे ही जो लोहे का सरिया आपने आग लगा के पूरा ये कर लिया तो उसको दे के इसको चिपका देना है। तो दोस्तों जो अभी तक हमारी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। हम और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल, नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कैसे करें, एनी मैकेनिकल मॉडिफाइड अनबॉक्सिंग फिटिंग्स का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये बैटरी को हमने बहुत अच्छे से, ये फटा हुआ बैटरी को हमने रिपेयर कर दिया। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम और भी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये बैटरी क्या हो गया, ई रिक्शा गिर गया, इसी की वजह से ये बैटरी दोनों पास फट गया। तो इसमें क्या होते हैं, इसका तेजाब सारे निकल गया बाहर। तो तेजाब बाहर निकल जाने से बैटरी क्या होगा, थोड़ा देर ऐसे ही चलेगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये बैटरी तो नया है, बैटरी को हम बदल नहीं सकते, नए बैटरी को फेंक नहीं सकते, इसीलिए हमने बैटरी को अच्छे से हम रिपेयर कर देते हैं। तो आपकी ऐसे बैटरी का प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वीडियो देख के आसानी से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ही घर में बैठ के कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी ई रिक्शा की बैटरी रिपेयर करना आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कैसा भी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ई रिक्शा हो, एनी प्रॉब्लम हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल, एनी प्रॉब्लम हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा प्लास्टिक को हमने जला लिया, आग लगा के ये देख लीजिए जैसे जैसे निकल रहा है वैसे ही हमने अच्छी तरह इसको चिपका देते हैं। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये ई रिक्शा की बैटरी है दोस्तों, 130 एम्पियर की बैटरी, 12 वोल्ट की। ये बैटरी बहुत ही पावरफुल बैटरी है दोस्तों। ये बैटरी एक चार्ज में सारा दिन ये चल जाते हैं।
दोस्तों ये 12 वाला बैटरी है, ई रिक्शा की बैटरी आपको मिल जाएगा 100 एम्पियर की, 120, 110, 130, 130 एम्पियर की बैटरी है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा बैटरी है। बैटरी का प्राइस दोस्तों 25,000 रुपया, 4 बैटरी का प्राइस 25,000 रुपया पुराने वाला बैटरी देके। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है दोस्तों, ई रिक्शा की बैटरी रिपेयर करना फाइनली हमारी कंप्लीट हो गया। हम और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये रिपेयर बहुत ही अच्छे से हमने कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।